अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्रोशिया कविता कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन में, और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है। कंप्लीट पैकेज है ये वीडियो। मैं अगर आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो और आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन में, आपको दिखाता हूं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्रोशिया का वीजा। हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। हम लोग जाएंगे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे VFS। देखिए आ गया VFS ग्लोबल। हम लोग इंटर करेंगे यहाँ पे। देखिए पहला वाला जो लिंक है ना, इसमें क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आ गया VFS ग्लोबल का। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम। आप कहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कंट्री का नाम लिखिए। मैं इंडिया से करना चाह रहा हूँ तो यहाँ इंडिया का नाम लिखूँगा, और कहाँ के लिए, क्रोशिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है टेक मी टू द वेबसाइट। अब इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया है वेलकम टू VFS ग्लोबल। यहाँ पे चार ऑप्शन बता रहा है, अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर और प्रीमियम सर्विस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे अप्लाई फॉर अ वीज़ा में। स्टार्ट नाउ में क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप गाइड, मीन्स स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको यहाँ पे बताएगा। सबसे पहला है आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, दूसरा बिगिन योर एप्लीकेशन, थर्ड है बुक एन अपॉइंटमेंट, फोर्थ है पे योर फीस, फिफ्थ है विजिट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, सिक्स्थ है ट्राई कर एप्लीकेशन, सेवन्थ है कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप में। व्यू मोड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वीज़ा टाइप लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट वीज़ा टाइप। तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारा वीज़ा है, तो हम लोग को कौन सा वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो हम लोग टूरिस्ट में क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बता रहा है, वीज़ा फीस, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, फोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसिंग टाइम और डाउनलोड फॉर्म। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे। तो डाउनलोड फॉर्म में आकर के हम लोग ये वाला जो लिंक दिख रहा है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए ये आ गया यहाँ पे, ये क्रोशियन लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टर्किश है, इंग्लिश है, आप इंग्लिश कर दीजिए। देखिए ये इंग्लिश में हो गया। यह तीन ऑप्शन बता रहा है, एंटर न्यू एप्लीकेशन, चेक एप्लीकेशन स्टेटस और कंटिन्यू एप्लीकेशन एंट्री। तो हम लोग एंटर अ न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। देखिए ये आ गया वीज़ा रिक्वेस्ट। सबसे पहले क्या बोला है, एप्लीकेंट डेटा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सरनेम देंगे, जो आपका सरनेम, ये आपको ना सब पासपोर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सरनेम देना है, आप सरनेम अपना दे दीजिएगा। उसके बाद सरनेम एट बर्थ, बेसिकली ये होता है मैरिड वुमेन के लिए, अगर जिनका नाम चेंज हो जाता है तो वो यहाँ देती हैं, वरना देखिए अपने आप कैप्चर हो जाता है, जो सर नेम है एट बर्थ वो वही कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट नेम आपको देना है यहाँ पे अपना, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ देना है। ठीक है, सब आपको पासपोर्ट में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ आप सही सही यहाँ पे फिल कीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस भी सिटी में आप पैदा हुए हैं उस सिटी का नाम लिख दीजिएगा। आप इंडिया भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे सिटी प्रेफर करिए, क्योंकि यहाँ कंट्री ऑफ बर्थ बता रहा है, तो कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया। मैं कोलकाता इंडिया में हुआ हूँ, तो वो मैं आप सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए करंट नेशनैलिटी इंडिया अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी इंडिया अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत होगा। थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ बोल रहा है जेंडर आपका क्या है, मेल या फीमेल, जो आप हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ बोला हिमाचल स्टेटस आपका क्या है, जो भी आपका हिमाचल स्टेटस है, सिंगल, मैरिड, जो भी आप हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सिंगल हूँ तो सिंगल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे बोला है नेशनल आइडेंटिटी नंबर, मतलब अगर आप देना चाहते हैं तो, पर मैं बोलूँगा आप दे दीजिएगा अपना आधार कार्ड का नंबर, जो भी आपका रहेगा। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है एप्लीकेंट का एड्रेस, तो अपना आप एड्रेस दीजिएगा। सबसे पहले बोला पोस्टल कोड देने के लिए, तो अपना कोड दे दीजिएगा अपने एरिया का। फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहाँ आप रहते हैं, तो आप उस जगह का नाम दे दीजिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जिस भी कंट्री के हैं आप। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा अपना,
यहाँ पे आप अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लीगल कस्टडियन है, मीन्स ये होता है माइनर्स के लिए, ठीक है। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये आपको फिल करना होगा, अगर आप 18 प्लस हैं तो ये ज़रूरत नहीं है आपको फिल करने का। अब आपको यहाँ कैप्चा यहाँ फिल करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। देखिए अब आ गया है पासपोर्ट कन्फर्मेशन आपको देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोल रहा है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका किस तरीके का पासपोर्ट है, जिस तरीके का पासपोर्ट है आप सेलेक्ट कर लें। बेसिकली सबका ऑर्डिनरी रहता है तो आप ऑर्डिनरी यहाँ क्लिक कीजिएगा, मीन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए थोड़ा, यहाँ पे देखिए बोल रहा है ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आपको अपना पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे देना होगा, ठीक है, जो आपके पासपोर्ट में आपको मिल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आप पर सही दीजिएगा करेक्ट। फिर यहाँ बोल रहा है डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था, तो आप देख लीजिएगा अपने पासपोर्ट में जब भी इशू हुआ था तो आप उसको वैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको सब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे बोला इशू बाय इंडियन गवर्नमेंट, या आप कोलकाता लिख सकते हैं, जिस स्टेट के आप है उस स्टेट का भी नाम लिख सकते हैं, आप इंडिया ही लिख दीजिए, ठीक है। कंट्री भी यहाँ पे इंडिया हो गया, ठीक है। फिर यहाँ बोला है रेजिडेंस परमिट इन अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पे नो रखिएगा। अगर आपके पास कोई और कंट्री का रेजिडेंस परमिट है तो आपको बताना होगा कब से कब तक है, ठीक है, यहाँ नो रखिएगा। फिर यहाँ बोला है ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, देखिए वहाँ जो आप करते हैं ना, यहाँ बहुत सारा है, टीचर है, बैंकर है, जो आप करते हैं, जो काम आप करते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैंकर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे अपने एम्प्लॉयर का नाम देना होगा, जो भी नाम हो दे दीजिएगा। फिर एम्प्लॉयर का एड्रेस देना होगा आपको, फिर उसका टेलीफोन नंबर देना होगा आपको। फिर यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट के लिए है, जो अगर 18 से नीचे हैं या फिर जो कॉलेज में है तो उनको कॉलेज का नाम, फिर एड्रेस और फिर टेलीफोन नंबर दे करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। फिर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे बोल रहा है इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वेस्टेड वीजा, मेन पर्पस ऑफ ट्रैवल, आपका पर्पस क्या है ट्रैवल करने का। यहाँ हम लोग टूरिज्म है तो हम लोग टूरिज्म में सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ बोल रहा है इंडियन डेट ऑफ ट्रैवल टू द शेंगेन एरिया, तो आप कब जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा जब भी आप जाना चाहते हैं, देख करके सही से जो भी आप आइटिनरी बनाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख को जाऊँगा डिपार्चर, फिर हम डिपार्चर होंगे अगस्त के 1 तारीख को, ठीक है, या फिर आप इसको और थोड़ा कम कर सकते हैं, जुलाई के 30 तारीख कर दीजिए, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है, जैसा आप आइटिनरी बनाइएगा। फिर यहाँ बोल रहा है मल्टी नंबर ऑफ एंट्रीज, आपको कैसा एंट्री चाहिए, 1 एंट्री, 2 एंट्रीज या मल्टीपल एंट्रीज, यहाँ आप 1 एंट्री कर सकते हैं, 2, जैसा आपको ठीक लगे आप वो कर दीजिए। ज़्यादातर 1 एंट्री कीजिएगा तो पॉसिबिलिटीज होता है आपको वीज़ा मिलने का। फिर यहाँ बोल रहा है कितना दिन रहिएगा, आप अपना जितना दिन भी आप रहिएगा ना आप दिन बता दीजिएगा, 20 डेज, 15 डेज, आप अपने आइटिनरी के हिसाब से यहाँ पे फिल कीजिएगा। देखिए अब बोल रहा है डेस्टिनेशन कंट्री, तो डेस्टिनेशन कंट्री में पहले सबसे पहले यहाँ पे आप क्रोशिया रखिएगा, ठीक है, देखिए ये आ गया क्रोशिया, कहाँ चला गया। फिर मेन डेस्टिनेशन जोन, यहाँ आप कोई भी कंट्री, अगर आप क्रोशिया 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, अगर 6 दिन आप रहना चाहते हैं, उसके बाद कोई और कंट्री जाना चाहते हैं तो आप वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लोवाकिया। फिर यहाँ पे बोल रहा है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, अब यहाँ पे अगर जो भी करीबी कंट्री है क्रोएशिया का आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया हो गया, यहाँ पे मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री ऑस्ट्रिया, आपका डेस्टिनेशन कंट्री है क्रोएशिया, मेन डेस्टिनेशन इन जोन है स्लोवाकिया, ठीक है, आप यहाँ क्रोएशिया भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको सिर्फ क्रोएशिया घूमना है तो आप यहाँ क्रोएशिया कर सकते हैं। फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ बोल रहा है अदर वीज़ा इशूड इन द प्रीवियस 3 ईयर्स, कोई और वीज़ा आपको इश्यू हुआ है 3 साल में, अगर हुआ है तो यस करके आपको बताना होगा कौन सा कंट्री का हुआ है, कब हुआ है और कब तक था, अगर नहीं तो नो करके आगे बढ़िएगा।
फिर यहाँ बोल रहा है क्या आपका कभी फिंगरप्रिंट लिया गया है शेंगन वीज़ा के लिए, यस। अगर आप कभी गए हैं इससे पहले शेंगन जोन कोई कंट्री गए हैं तो आपको बताना होगा कब लिया गया है, नहीं तो यहाँ नो करके सेवन कंटिन्यू कीजिए। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डिटेल, गारंटर, एकोमोडेशन और एक्सपेंस, ठीक है। अगर आपका कोई नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई दोस्त या कोई फैमिली मेंबर या कोई होटल का मींस ओनर, जैसे होटल हम लोग बुक करते हैं ना वो उनका ओनर, अगर उनसे आप जा रहे हैं तो नेचुरल पर्सन में टिक कीजिएगा। अगर लीगल पर्सन जैसे कोई एडवाइज़र हो गया, कोई एडवोकेट हो गया, मींस एक लेवल वाला इंसान, तो आप यहाँ लीगल पर्सन करके आपको उसका नाम यहाँ पे देना है, तो हम लोग नेचुरल पर्सन में जाएंगे। तो यहाँ पे उसका आप नाम दीजिएगा पहले, जो भी नाम होगा, ठीक है। फिर उसका सरनेम दे दीजिएगा जो भी रहेगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जब भी आपका इनविटेशन लेटर आएगा उसमें सब कुछ रहेगा, आप वैसे ही फिल कीजिएगा। फिर स्ट्रीट नेम दे दीजिएगा जो भी रहेगा, फिर यहाँ प्लेस ऑफ रेसिडेंस इनवाइटिंग पर्सन का जहाँ रहते हैं वो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर टेलीफोन नंबर उनका दे दीजिएगा जो भी रहेगा। फिर नीचे आइएगा, अगर आप देखिए यहाँ पे बोला इन्फॉर्मेशन ऑन द रेसिडेंस इन रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया, तो आप यहाँ पे दे दिए सेम एज अ गारंटर और इनवाइटिंग पर्सन, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा ना तो हो जाएगा, यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। फिर आप उनका ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा जो भी रहेगा, फिर नीचे आएंगे हमने थोड़ा, यहाँ देखिए बोला है ट्रैवल एंड एकोमोडेशन एक्सपेंस, आप यहाँ पे बोलेगा देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, वीजा एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ या स्पॉन्सर, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या आप खुद से खर्च कीजिएगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कीजिए। फिर आप क्या क्या लेके जा रहे हैं, कैश, क्रेडिट कार्ड, एकोमोडेशन पेड इन एडवांस, जैसे हम होटल बुक कर लेंगे। फिर यहाँ पे बोला है अदर्स में आप क्लिक करके यहाँ पे आप डेबिट लिख सकते हैं, डेबिट कार्ड और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है आपको फोटो मींस नॉट मैंडेटरी, अगर आप चाहते हैं तो आप फोटो यहाँ पे अपना बोलते डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं ऐड, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। आप देखिए अब आ गया है डिटेल, मेंबर ऑफ ईयू ईए और स्विस कॉन्फेडरेशन, जो इनविटेशन लेटर आएगा आप उनका ही नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी नाम होगा आप देख करके फिल कीजिएगा, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सब फिल कर रहा हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए। नेशनैलिटी उनका जो भी होगा आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास उनका पासपोर्ट और सीरियल नंबर है, आईडी, अगर आपके पास उनका पासपोर्ट और आईडी सीरियल नंबर है तो आप वो दे दीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ बताइएगा फैमिली रिलेशन टू द नेशनल ऑफ यू ई ए, अगर यहाँ हस्बैंड और वाइफ हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, चाइल्ड है तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ग्रैंड चाइल्ड है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। अगर इस सब में ऑप्शन में कोई नहीं है, फ्रेंड है, तो आप छोड़ दीजिएगा, ये सब को स्किप करके फाइनलाइज कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, आपका हो गया। अब आपको करना है अपॉइंटमेंट बुक कि हम लोग देखिए हम लोग एप्लीकेशन फिल कर दिया, अब हम लोग क्या करना है, बुक एन अपॉइंटमेंट। यहाँ सिंपली व्यू मोर में क्लिक कीजिएगा, बुक एन अपॉइंटमेंट में क्या क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बुक नाउ में क्लिक कीजिएगा सिंपली, आपको यहाँ अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। यहाँ आई डोंट हैव एन अकाउंट में क्लिक कीजिएगा,
या आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा, अपना पासवर्ड देना होगा, कंफर्म करना होगा पासवर्ड, फिर अपना नंबर देना होगा, या इंडिया करके आई एग्री करके रजिस्टर कर देना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपके मेल में एक मेल आएगा, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपको सिंपली यहाँ पे एक्टिव अकाउंट करना है, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब सिंपली, वहाँ हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं, साइन इन, देखिए ये आ गया। स्टार्ट न्यू बुकिंग में क्लिक कीजिएगा, सिंपली चूज योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, देखिए इतना सारा कहाँ कहाँ है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, जो आपका सिटी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई करीबी सिटी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोलकाता में रहता हूँ तो कोलकाता सेलेक्ट करूँगा। फिर देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। सब कैटेगरी आप यहाँ इतना सारा है, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, तो टूरिस्ट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्लॉट अवेलेबल है यहाँ पे 17 तारीख का, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम बताना है, ठीक है, अपना लास्ट नेम बताना है, करंट नेशनैलिटी आपका क्या है, इंडियन, तो इंडिया दे दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना आपको पासपोर्ट का नंबर बताना है, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, फिर अपना ईमेल एड्रेस आपका अपने से सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेव कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है आपका टोटल अमाउंट 1928 लगेगा, मतलब 1928 रुपये लगेगा, कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको चूज़ करना होगा स्लॉट, देखिए ग्रीन वाला अवेलेबल है, ब्लैक वाला अनअवेलेबल है। ठीक है, देखिए 20, 21, 22, 23, ये इतना सारा है। ठीक है, आप जो चाहें तो वो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 21 का कर रहा हूँ। अब यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे, एक ही डेट है, 9 बजे का सेलेक्ट कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है आप ये सब कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये सब आप ले सकते हैं, ये सब सर्विस है उन लोग का। सबसे अच्छा सर्विस SMS वाला भी है, आप ले सकते हैं 500 वाला, देखिए उतना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया ट्रैवल असिस्टेंस विद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा, एड्रेस बता दीजिएगा जो एड्रेस है, ठीक है, स्टेट बता दीजिएगा, सिटी बता दीजिए, पोस्टल कोड, ये सब आपको एंटर करना होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आई एग्री कीजिएगा, फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आप रिव्यू कर लीजिएगा, रिव्यू करने के बाद आई एक्सेप्ट, यस, पे ऑनलाइन, पे करने के बाद आप पे कीजिएगा, इतना रुपया हो गया आपका ख़त्म, आपका मीन्स अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे अब कि यार डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है क्रोशिया टूरिस्ट वीज़ा का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर आ जाएंगे टूरिस्ट में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ चेकलिस्ट फॉर टूरिस्ट वीज़ा, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको यस नो में बताना है, ठीक है, कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो बोला है, यस कर दीजिए। बेसिकली जो जो डॉक्यूमेंट है ना वही सब आपको यहाँ पे यस नो में बताना है। ठीक है, और मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, वो आप देख करके यहाँ यस नो में आप बस टिक कर दीजिएगा। फिर आपको अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ सबमिशन, प्लेस ऑफ सबमिशन, सिग्नेचर करना है, और उसके बाद आपको जाके फिल कर देना, मीन्स सबमिट कर देना है, सॉरी, बस इतना ही है। होप आप इतने देर तक पहुंचे होंगे या आप जान गए कैसे अप्लाई करना है या आप अप्लाई कर दिए होंगे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगता है, सबसे पहला है पासपोर्ट, उसकी वैलिडिटी लास्ट 6 मंथ तक होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, उसके बाद आप जो फॉर्म फिल किए हैं उसको आप प्रिंट आउट करके अपने पास रखिएगा साइन करके, उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस आपका लगेगा, 30,000 यूरो करवा लीजिएगा तो बेहतर होगा, उसके बाद कवर लेटर और आइटेनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आपको नहीं आता है बनाने, इसी के बेस पे आपको आपका वीजा अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको नहीं आता है बनाने तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके चेकआउट करना, मैं कंप्लीट डिटेल में बताया हूँ और बहुत ईजी वे में बताया हूँ कि आप 2 से 5 मिनट के अंदर में आप कवर लेटर और आइटेनरी बना लीजिएगा। उसके बाद आपको लगेगा होटल बुकिंग, उसके बाद आपको लगेगा रिटर्न टिकट, और लास्ट जो है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको लगेगा,
और देखिए कुछ जो अगर बच गया हो तो ये आपको स्क्रीन पे आ रही होगी, आप देख ले, अगर आपके पास है ये सब एक्स्ट्रा चीज तो आप उसको अटैच कर दीजिएगा। बस यही डॉक्यूमेंट लगने वाला है, और जो फीस है क्रोशिया का वीजा का वो है 80 यूरोस। बस इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।